मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय रोज ब्लॉग। तो आज हम एक नए ब्लॉग के साथ उपस्थित हैं। तो आज हम जाएंगे अपने टूर पे दोस्तों के साथ, और ये टूर इसलिए होगा कि हम कॉलेज से लास्ट टाइम हम विदा हो रहे हैं, तो सब जाएंगे हम साथ में। ये देख रहे हो जैसे कि अभी हम सुबह सुबह निकल चुके हैं। भाई सबसे पहले तो अपने को घबराना ही है, ठीक है? नहीं नहीं, कॉलेज खत्म अब होने वाला है और दोस्त भी अब सब अलग अलग होने वाले हैं। बढ़िया है, खर्चा बच जाएगा मेरा। बढ़िया है, मतलब सबको बढ़िया ही लग रहा है, एक तरह से बुरा किसी को नहीं लग रहा, बुरे भी कोई बात नहीं। चलो भाई, हाँ भाई नेगी, आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। भाई मैं भी तो हूँ यार। की रात कटेगी कैसे, आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की, मुझे ये आग भी पी लेना दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। सात साइड पे लेबर। पहाड़ों फूल बरसाया है, ऐसा मौसम आया है। ये देख सकते हो आप, ये देखो भीख मांग रहे हैं, और बाकी ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया। ये क्या नाम है जगह का? अरे जगह का नाम पूछ रहा हूँ। हाँ, जॉर्ज एवरेस्ट। और यहाँ पे अभी पहुँचे नहीं, अभी हम यहाँ नीचे तालू में है, और जैसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो हम आपसे संपर्क करेंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। आइए यहाँ पे अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए। तो हमारे खे है जॉर्ज एवरेस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छा नज़ारा, नीचे पूरा ग्रीन दिख रहा होगा आपको। और अभी हम सबसे नीचे नीचे चेहरे का एक्सप्रेशन देखो भाई के, खुल जाती है घंटा इतना रेंज के बाद। अभी मैंने अभी तो लॉक मारी फिर से, वो जा तो रहा दे दो जा। ओए ओए, और यहाँ जैसे आप देख सकते हो इधर कि हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। ये हमें ऐसी अनुभूति करवा रहा है जैसे कि हम बहुत खड़ी चढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत मजा। वो तो खड़ी चढ़ाई हमें दिख रही है यहाँ पे ब्रो। यहाँ का माहौल बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा। अगर आपको अपने फैमिली के साथ आना है तो आइए, जरूर घूमिए इधर। पर ऐसे ठंडे मौसम में आइए, क्योंकि धूप में तो ऐसे ही रहता है गर्म थोड़ा बहुत। मैं अपने दोस्तों से थोड़ा आपका वार्तालाप करवाता हूँ। तो पहले मेरा चपड़गंजू दोस्त है ये। चपड़गंजू बता, आगे बता। और आज हम जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ मसूरी, देहरादून की गर्मी से एकदम यहाँ की मस्त वाली ठंड में लेने के लिए।
अबे काफी मजा आ रहा है यहाँ पे हमें, और अभी तक हमने जैकेट पहनी थी, और अभी मैं YouTube में डाल लूंगा ये वीडियो, देखते रहना तू, मजाक नहीं कर रहा मैं, डाल दिया भाई सर बनाना, हाँ मर्जी डालने डाल दे, अभी तक हमने जैकेट पहनी थी, अभी पसीने से तरबतर हो चुके हैं हम, अंदर से पूरी गर्मी गर्मी हो गई है, तो देख सकते हो सारी उतार दी, ये गर्मी गर्मी इनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इनकी गर्मी उतारने पड़ेगी ऊपर जाके, तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे गर्मी लग रही है सबको क्योंकि चल रहे हैं, पर जैसे हम ऊपर पहुंचेंगे एकदम से हमें जैकेट की जरूरत पड़ेगी, इससे पहले हमने जैकेट पहन रखे थे, और दूसरा यहाँ पे जब भी आप लोग आओगे पहले तो यहाँ पे जैकेट नहीं, यहाँ पे वो लेते क्या बोलते हैं पार्किंग के लिए पैसे लेते हैं फालतू के, उससे बचना, और दूसरा उसके बाद जब आ जाओगे तो पानी की व्यवस्था पूरी करके रखना, पानी नहीं है यहाँ पे, मैगी मैगी मूगी सब कुछ देहरादून से खरीदी, और मैगी मूगी यहाँ पे खरीद के आना क्योंकि यहाँ 15 रुपए 20 रुपए की चीज 25 रुपए में मिल रही है, यहाँ बहुत महंगा दे रहे हैं, तो हर चीज से सावधान रहना। और ये शुभांगर भाई की सांस फूट रखी है। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट के टॉप में पहुंचने वाले हैं, तो मैं कुछ ही देर में आपको जॉर्ज एवरेस्ट का टॉप व्यू दिखाता हूँ, तो आप सब रेडी है देखने के लिए, तो देखिए जस्ट फ्रंट, ये है वादियाँ जॉर्ज एवरेस्ट की, यहाँ पोचे लटके हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कोहरा बहुत जमा हुआ है, मेरे चश्मे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा ये है मनीष रावत, जो कि हम बीमार आदमी के तौर पे लाए थे ताकि मेरे को पेशेंट बना दिया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम इसका नाम लेकर कहीं से भी निकल सकते हैं, बच सकते हैं। और दूसरे जो आप ये काले कपड़े में और टोपे में देख रहे हो, जिसके हाथ में पीला कलर का जैकेट है, वो है मनीष पवार, और ये नैनबाग से है, और ये बहुत शरीफ आदमी, सज्जन आदमी है, पर शकल से बहुत दुष्ट दिखते हैं। और तीसरा आदमी है यहाँ पे मिस्टर खन्ना, बीए फर्स्ट ईयर वाला मिस्टर खन्ना, ये बात नहीं करता, ये बहुत प्रसिद्ध है, ये सहारनपुर का गुंडा है, सहारनपुर का गुंडा सॉरी सहसपुर का गुंडा है। और ये देख सकते हो आप आगे, ये सारे ये दोनों के दोनों खो गए हैं, ये खोए हुए बच्चे हैं, ये हमारे साथ ये खोए हुए बच्चे, और यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, हमारे सारे नजारों की हालत खराब हो रही है, ये ब्यूटीफुल प्लेस का क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे आंखें देख पा रही है 500 मेगापिक्सल से, वो इस कैमरा में नहीं दिख रहा, पर यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, ये देख सकते हो आप, बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ हम ला सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, और बहुत अच्छी है, और सीनरी है यहाँ पे देखने के लिए, और आप देख सकते हैं किस तरह से इंजॉयमेंट है, ये देख सकते हो, ये है जॉर्ज एवरेस्ट का मतलब की चढ़ाई, और ये देख सकते हो नजारा, ये देख सकते हो, थक गया रे, बनाना मेरी वीडियो, ये सब ये हमारे जेई साहब, हम साइट कंस्ट्रक्शन पे आ रखे अभी, ये हम एकदम टॉप में पहुंच चुके हैं, और ये टॉप में है, और ये देखिए हमने व्यवस्था बुवस्था कर ली है, ये डब्बा है, लकड़ी है, मैगी है, टमाटर है, आलू है, और यहाँ सब लोग मेहनत कर रहे हैं मैगी पकाने के लिए, ये देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, मैंने देखिए यहाँ पे देखिए जब भी आप आओगे, जब भी इधर आओगे यहाँ पे नमक लेके जरूर आना, क्योंकि जोंक है यहाँ पे सीधा चिपक जाती है गर्दन पे, पैर पे, जहाँ पे भी चिपकना होती है, तो अपने हिसाब से सेफ्टी के साथ आइए, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हमको देखने को मिली है। डाल दे, डाल दे, डाल दे, चोर, चोर नहीं इसको मत डाल, अबे वही इसको पकड़ने के लिए है, इस पे जब इसे उतारेंगे नीचे टॉपिंग के लिए पानी, यार मतलब
देख सकते हो आप कि जब मसूरी आए तो ये इस बात का ध्यान रखें, बोलते रहे। तो गाइस हम लोग आए थे मसूरी, सुबह आना चाहिए, आए तो थे हम घूमने यहाँ पर, लेकिन हम गए जॉर्ज एवरेस्ट, उसके बाद हम नीचे आए तो हमें ना तो घूमने की जगह मिल रही है, बारिश अलग होने वाली है, बल्कि हम तो फंस चुके हैं जाम में और ना हमें होटल मिल रहा है कहीं पे रहने के लिए, टेंट हम ले नहीं सकते है। ये छपरी राइडर साले आगे निकलने के चक्कर में, तो जैसा आप देख सकते हैं लंबा जाम फंसा हुआ है यहाँ पे, लंबे जाम में। तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, अब जाम तो लगते रहते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है, इतना लंबा जाम है, इतना लंबा जाम है कि हम जाम काटते काटते विकास नगर पहुँच जाएंगे देहरादून। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये छपरी आ रहा बीचों बीच सीधा, बंद कर दे भाई। तो देख सकते हैं आप लोग हम आ चुके हैं मसूरी की सुंदर वादियों में, और ये इसका प्लान कैंसिल हो गया, इसका प्लान कैंसिल हो गया पलिन वालों का, क्यों अब घूमने के वापस पूरा मैं नहीं जा रहा घर फिर ज्यादा। तो जैसा आप सब देख सकते हैं ये पीछे टोपो भाई हमारे, हाँ भाई राणा किधर है, अब फिर से सबका सफर अलग अलग हो जाएगा इसके बाद भाई। अब जैसा कि आप देख सकते हो हम जा रहे हैं वापस, तो देखते हैं अब क्या होता है कि ये देख सकते हो आप कि ये है माल रोड, और अभी हम सब लोग खाना खुना खा कर घूम रहे हैं यहाँ पे आराम से, और ले मेरी वीडियो बनाना, ऐसे चलते रहना, चल रही है वो देख सकते हो आप, ये हमारे पीछे पूरा मसूरी का व्यू है, और अभी हम माल रोड में हैं, और जैसे कि आपको पता ही है कि माल रोड कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा देखने को सामग्री है, खरीदने को महंगी महंगी चीज़ें हैं, हम इतनी सी चीज़ भी नहीं छू पा रहे हैं यहाँ पे। तो आपसे निवेदन यही है कि जो थोड़े अच्छे पैसे या फिर ज़्यादा जेब टाइट नहीं रखता वही आए यहाँ पे, ठीक ले ले बस। प्यार भी तोला होगा तुमने,
अपना मनोहर ना सही पर इस दिल को ये समझा लिया है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता वो लगा तो मैं सह नहीं पाता मेरे को भी लैंड डाल दे मैं निकला वो गाड़ी लेके वो रास्ते पे वो उस रोड पे वो मुटियार मिली जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाओ में मैं बिस्तर डाल के सो गया जब जागा तब भागा वो सब फाटक वो सब सिग्नल मैं तोड़ आया मैं उते दिल चोया नजर उसको देखा दिल बस एक नजर उसको देखा दिल में उसकी तस्वीर लगी क्या नाम था उसका रब जाने मुझको राजे की हीर लगी जल देखा एक सपना सल उसके नाम अपना मैं छोड़ आया मैं उसके दिल छोड़ ऐसे लगता है
ना करना ऐसा सितम। जिस दिल पे फिरा है मेरा दिल, जिस दिल पे फिरा है, एक दिल रुबा है, दिल रुबा है, दिल रुबा है।